दिल्ली से आलमबाग लखनऊ जा रही बालो बस में रात्रि लगभग 1 बजे आग लग गई। जिला फिरोजाबाद के कटपुरीकट में मात्र 200 मीटर की दूरी को गुजर रहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर जिला मैनिकपुरी 76 नंबर दिल्ली से लखनऊ जा रहे स्लीपर कोच में बालो बस में आग लग गई। आग लगने सूचना मिलते ही हाईवे अथॉरिटी और प्रशासनिक अधिकारी में हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, परंतु आग को काबू नहीं पाया गया और बस जलकर खाक हो गई, जिसमें 4 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा घायलों को सिफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जिला मैनिकपुरी के जिला अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय, एसपी अजय शंकर एवं चिकित्सा टीमें घटना स्थल में पहुंचकर घटना की असल जानकारी जुटाने में लगी है। रविदीप सिंह है और ये बस जो है ये दिल्ली से चली थी लखनऊ के लिए, आलमबाग के लिए, ठीक है। तो इसमें से परी चौक से इसमें 2 पैसेंजर बैठे थे, एक बच्चा था एक माँ थी, और 2 पैसेंजर हैं ऑलरेडी दिल्ली से बैठे थे और 3 लोगों का स्टाफ था गाड़ी में, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ, एक बच्चा माँ और 2 लोग हैं वो तो अंदर इसमें चले हुए हैं और 1 लोगों को सेफली भर्ती कराया गया है और 1 ड्राइवर जो था वो निकल गया था तो उसको भी भर्ती करा दिया गया है और 1 पैसेंजर है उसको मामूली चोट थी तो उसको यहीं पर ट्रीटमेंट दे करके उसको भेज दिया गया। बस में लगभग कितने लोगों को जलने का अनुमान? लगभग 4 लोग। 4 लोग। ये लोग जले, ये कहाँ के हैं? अब ये दिल्ली से जा रहे थे लखनऊ के लिए, ये अभी पूरा कह पाना मुश्किल है, ये तो ट्रेवल एजेंसी से ही पता चलेगा जिसकी ये गाड़ी थी। बस में कुछ भी स्टेशन नहीं बचा है? नहीं नहीं, कोई भी सामान ना कोई लोग? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब जल गया, बिल्कुल जल गया, पहचान में भी नहीं आ रहा। नहीं कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। आप कौन से हॉस्पिटल से? मैं यहाँ बरनाहाल से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाहाल। जी, ACMO है जी, मैं वहाँ पे अधीक्षक हूँ।